हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ऑफिशियल नोटिस आ गया है एसएससी एमटीएस 2020-21 एग्जाम्स का। हाँ जी, जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं एसएससी एमटीएस 2020 के लिए, तो आपका इंतज़ार अब खत्म हो गया है। ऑफिशियल नोटिस आ गया है, अब आपके फॉर्म्स फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे कैसे क्या क्या करना है, कौन कौन सी डेट्स हैं, कब आपका एग्जाम होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो एसएससी एमटीएस की, पहली बार में निकालना चाहते हो, और केवल एमटीएस की नहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, सीजीएल सीएचएसएल कोई सा भी हो गया या यूपीएससी कोई सा भी एग्जाम हो गया, बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ध्यान रखना पीएमवाईटी, पीएमवाईटी जैसे ही आप अप्लाई करते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। नोट कर लो, अभी के अभी कहीं भी पीएमवाईटी अप्लाई करने से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब हम देखते हैं क्या आपका नोटिस आया है। हाँ जी, एसएससी ने नोटिस रिलीज करा है आपका मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, कब से कब तक आपके फॉर्म्स फिल होंगे। 5 फेब से लेके 21 मार्च तक, 5 फेब से लेके 21 मार्च तक आपके फॉर्म्स फिल आप कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी है 21 मार्च, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करना, पहले ही फिल कर देना, बाद में काफ़ी दिक्कत आती है, सर्वर इशू हो जाता है, तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करना, फेब में ही अपना फॉर्म भर देना जो भी भरना चाहते हैं, ठीक है। फिर आपका एग्जाम कब होगा, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, टीयर 1 आपका कराया जाएगा 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक, ठीक है। 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आपका टीयर 1 कंडक्ट कराया जाएगा। टीयर 2 की हम बात करें, जो कि आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा 21 नवंबर को। हाँ जी, 21 नवंबर को आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अभी से डेट्स सारी नोट कर लो, उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लो, अभी भी अच्छा खासा टाइम बचा है आपके पास, अच्छे से तैयारी कर सकते हो, और कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस, वहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो सिंगल जगह से पीएमवाईटी नोट कर लो, इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जब आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो पीएमवाईटी अप्लाई कर देना। डेट्स एक बार फिर से देख लो, 5 फेब से लेकर 21 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम होगा 1 जुलाई से 20 जुलाई तक, और 21 नवंबर को आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा टीयर 2, ठीक है। अब देख लेते हैं वैकेंसीज। वैकेंसीज की काफ़ी चिंता रहती है सबको। वैकेंसीज के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है नोटिस में कि आपका जो वैकेंसीज हैं वो अभी पता नहीं है, अपडेट कर दिया जाएगा आपको जैसी वैकेंसीज होंगी। वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, ठीक है। तो अभी इंफॉर्मेशन नहीं है वैकेंसीज के बारे में। एज लिमिट, जो कट ऑफ डेट आपकी होती है, ये बहुत ज़रूरी है, पहले ही देख लो आप इसमें आपकी एज लिमिट डेट क्या रखी गई है। 1 जनवरी 2021 आपकी डेट रखी गई है, जिसको क्या बोलते हो एज रिकॉर्डिंग डेट, आपकी 1 जनवरी 2021 रखी गई है। आप यहाँ देख सकते हो एज लिमिट जो है 18 to 25 ईयर्स एज ऑन कट ऑफ डेट, ठीक है, और 18 to 27 ईयर्स एज ऑन कट ऑफ डेट। तो ये आपकी डेट रखी गई है 1 जनवरी 2021। बाकी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो उसके लिए भी सेम ही है आपका, 1 जनवरी 2021 ही डेट रखी गई है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। तो आपने 12th करा होना चाहिए 1 जनवरी 2021 से पहले। और ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। इट इज़ रीइटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ द रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफाइड डेट। इसका मतलब कि जो आपका रिजल्ट है फाइनल, वो आपका 1 जनवरी 2021 से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं आया होगा तब इसमें आपकी गड़बड़ हो जाएगी, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, या फिर आपका रिजल्ट बाद में रोक लिया जाएगा। तो पहले ही आप देख लेना, आपका रिजल्ट से पहले आ जाना चाहिए। मेयर प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट बाय द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट बाय द कट ऑफ डेट डज नॉट फुलफिल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। केवल आपका रिजल्ट प्रोसेस हो गया है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो ऐसे नहीं होगा, आपका प्रॉपर रिजल्ट आ जाना चाहिए 1 जनवरी 2021 तक, ठीक है। ये बात हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, 1 जनवरी 2021 रखी गई है। बाकी एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भरोगे तो जो फॉर्म भरते वक्त आपका जो फोटो होगा उस पर आपकी डेट प्रिंटेड होनी चाहिए। एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि डेट जरूर प्रिंटेड होनी चाहिए, अगर डेट प्रिंट नहीं हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टिकल्स एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल। तो जो लोग स्पेक्टिकल्स लगाते हैं तो बिना उसके आप फोटो खिंचवाएगा अपना, और कैप वगैरह नहीं पहननी है, और क्लियरली ईयर आपके विजिबल होने चाहिए। तो इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कि हम बात करें डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, 100% फ्री है ये भी, बिल्कुल आपके डेली टेस्ट होते हैं करंट अफेयर्स के, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो।
करंट ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज है, आपकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, हर सेक्शन पर है। क्वांट पर हो गया, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएजीएस, सब पर है सेक्शन वाइज। ये भी 100% फ्री है। ऑल्सो यहाँ पर स्पेशल रिवॉर्ड्स भी है रैंक 1 और 2 और 3 होल्डर्स के लिए, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपकी ये इंग्लिश टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, 100% फ्री है। उसके बाद जो बच्चे चाहते हैं कि अच्छे से उनकी एक जगह से तैयारी हो जाए, उनके लिए काफ़ी सारे बैचेस आपके 8 फरवरी से स्टार्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर आपका वाईफाई चैलेंजर्स बैच हो गया सीजीएल 2020 के लिए, सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच हो गया जो इसमें सारे आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, एग्जाम क्रैकर हो गया सीजीएल के लिए, इंटेंसिव बैच, फाउंडेशन बैच, फाइनल पंच, और भी बहुत सारे बैचेस हैं जो आपके डेली बेसिस पर स्टार्ट किए जाते हैं। तो आप देख सकते हो जिसमें चाहो उसमें एनरोल कर सकते हो। ध्यान रखना, जब आप प्लान अपना लोगे एग्जाम कैटेगरी चूज करने के बाद, 24 मंथ्स का प्लान आपको लेना रहेगा, 24 मंथ्स का लेना। मैक्सिमम बच्चे इस टाइम यही लेते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फायदा बेटा इसी में होता है, ठीक है। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो, 24 मंथ्स का लेते हो, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको 24 मंथ्स के पे पड़ता है, और एक बार में आप बेफिक्र होकर आराम से पढ़ सकोगे, इसलिए 24 मंथ्स का मैं आपको सजेस्ट करूंगी। कोड ध्यान रखना, कोड जब अप्लाई करो PMYT कैपिटल में नोट कर लो, PMYT अप्लाई करोगे ना तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही जो आपके क्रेडिट्स होते हैं उनको भी रिडीम कर लेना, उसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल SSC के लिए अप्लाई होता है, जितनी भी आपकी एग्जाम कैटेगरी हो गई, चाहे यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, आईआईटी जेई, नीट, कोई सभी आपका एग्जाम हो गया, सब पर आपका ये अप्लाई होता है। इसमें यू विल गेट द लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट सेशंस, क्लास रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तैयारी यहाँ से कर ली, अब मॉक कहाँ से लगाएं या ये कहाँ से करें, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे, सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, अनअकैडमी प्लस पर। PMYT नोट कर लो, PMYT से ही मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा।